हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। फ्रेंड्स, आज जो है हम आपको बताएंगे कि जो रेन लिली है इसके संग कुछ गलतियां बिल्कुल ना करें अगर आप इससे अच्छे फ्लावर्स चाहते हैं तो। क्योंकि लास्ट ईयर जो था मैंने कुछ मिस्टेक्स कर दी थी, मेरे कई गार्डनर फ्रेंड्स की ने बताया था हमको कि गलती मत करो, लेकिन मैंने कर दिया था और उसका नतीजा मुझे ये झेलना पड़ा था कि मेरे लास्ट ईयर रेन लिली नहीं खिले थे। तो वही मैं आज आपके संग शेयर कर रही हूँ कि इसमें आप क्या गलतियाँ बिल्कुल मत करो। फ्रेंड्स, पता नहीं कैसे ये जो रेन लिली है इनको मालूम चल जाता है कि बारिश शुरू हो गई है। आप विश्वास नहीं मानोगे, जिस दिन हमारे यहाँ पहली हल्की सी बूंदाबांदी हुई बारिश की, इन नेक्स्ट डे मैंने देखा ये रेन लिली खिले हुए हैं। मतलब काफ़ी सारी जो कलियाँ हैं नीचे से वो निकल आई हैं। उसके बाद डेली इसमें पाँच छः तीन चार करके फूल निकली आते हैं। ये हैं बहुत इंटेलिजेंट, इनको मालूम चल गया है कि बारिश स्टार्ट हो गई है। फ्रेंड्स, अब की मेरे यहाँ बहुत बारिश नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी इनको वो हो गया है। गलती मत करिएगा कि इसको कम सनलाइट में रखिए या ग्रीन नेट के नीचे रखिए, बिल्कुल मत करिएगा। इसको आप भरपूर मात्रा में सनलाइट दिखाओ, क्योंकि कई बार हम लोग सोचते हैं इसकी पतली पतली पत्तियाँ हैं, धूप में सूख जाएंगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ये आप विश्वास नहीं मानोगे, इस साल मैंने इसको पूरा अप्रैल मई जून तीनों महीने मैंने इसको अपने खुले में रखा है, ग्रीन नेट के नीचे नहीं रखा है। इस जगह जहाँ रखा है कोई ग्रीन नेट नहीं है, ये ऐसे ही रखा रहा है। नतीजा ये भी होता था कि जो इसकी पत्तियाँ हैं ये सूख जाती थी, कई बार सूख जाती थी, टिप्स बिल्कुल ब्राउन हो जाती थी। तो मौका मिलता था तो मैं हटा भी देती थी और लगी भी रहती थी, कई बार वही अपने आप ही सूख करके डिकम्पोज होकर के प्लांट को न्यूट्रिएंट देती थी। तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत होना कि इसको शेड में रखना है या कम में रखना है। इसको आप कम से कम 4 आवर्स की सनलाइट दिखाओ, मैक्सिमम जितनी भी दिखा सकते हो, 5, 6, 7, 8 जितना भी। हमारे यहाँ पर जहाँ लगा है यहाँ पर मॉर्निंग में 7 o'clock से धूप आ जाती है, पूरा 5 बजे तक 5 o'clock तक धूप चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी फ्लावरिंग इसने स्टार्ट कर दी है। आज तो फ्लावरिंग कम है जब मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा वीडियो बना दूँ, नहीं तो पता लगा कि बहुत व्यूअर्स कुछ जानना भी चाहेंगे तो वो उनको पता नहीं लग पाएगा। दूसरी चीज़ जो मैंने अनुभव करा है, जबकि बहुत मेरे गार्डनर फ्रेंड्स कंट्रोवर्सी है, बहुत लोग नहीं भी मानते हैं, लेकिन मैंने जाना है कि इसको जो है अपनी जगह बदलना बार बार पसंद नहीं है। जैसे ट्रांसप्लांटेशन इसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। मेरे पास क्या है, 3 कलर की हैं ग्रीन लिली है, ये पिंक है, वाइट है, येलो है। मैंने लास्ट ईयर क्या किया था, मैंने सोचा था कि सब कलर्स को अलग अलग कर दूंगी, मतलब पिंक एक साथ करूंगी, येलो एक साथ करूंगी। तो उस चक्कर में मैंने अप्रैल में सारी बल्ब्स को अलग अलग लगा दिया था। नतीजा ये हुआ मेरे इसमें कि पत्तियां तो निकल आई, एक भी इसमें कली नहीं आई थी। तभी मैंने समझ लिया, एक जो मेरी उसी जगह पर लगी थी वाइट कलर की, उसी ने फूल दिया था। तो मैं समझ गई थी कि इसको मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया है, जो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने बताया भी है, उसी लिए इसमें फ्लावरिंग नहीं आई है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स, इसको जो है ट्रांसप्लांट बिल्कुल मत करना आप, और अगर आपको ट्रांसप्लांट कभी करना भी है तो अक्टूबर के बाद कर सकते हैं, अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक कर सकते हैं। जो इस समय ये डोरमेंसी पीरियड में रहता है, आप ट्रांसप्लांट कर लो, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये किसी भी तरीके के गमले में चल जाता है। यहाँ पर ये थर्मोकोल के बॉक्स में लगा दिया था मैंने लास्ट टाइम इसको, इससे पहले ये मेरा मिट्टी में भी था, सीमेंट के भी गमलों में था, सब में लगा था, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इवन प्लास्टिक की बॉटल्स में भी चल जाता है। लेकिन हाँ, जो भी आप गमले में लगाओ उसमें ड्रेनेज होल ज़रूर बना देना, क्योंकि इस प्लांट को जो है हल्की सी मॉइस्ट मिट्टी तो पसंद है, नमी बनी रहे हल्की सी हर टाइम, लेकिन ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। उस केस में इसकी बल्ब तुरंत सड़ जाती है। हमने जो प्लास्टिक की बोतल में लगाया था उसमें शायद ड्रेनेज होल ठीक से था नहीं या बंद हो गया था, जो भी था उसमें कुछ बल्बें लगी थी वो सड़ने लगी थी। तो ये देखिए हमने निकाल के दे रखा है। तो इसमें आप ऊपर से देखोगे तो आपको नहीं मालूम पड़ेगा, जब आप हल्का से इसे प्रेस करोगे ना तो ये देखिए लिक्विड सा निकलने लगा है, जेल सा इसका। तो ये जो है सड़ गई है, बल्ब ख़राब हो गई है, रॉट हो गई है, ये से फूल कभी नहीं आएंगे। तो इसको हमने रख दिया है, डिकम्पोज होगी। उसी प्लास्टिक की बॉटल में एक आध और बल्ब लगी थी, ये देखिए अभी ठीक है, तो मैंने सब बाहर निकाल ली हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखना कि पानी उतना ही दो जितनी ज़रूरत है, मिट्टी हल्की सी मॉइस्ट बनी रहे लेकिन ओवर वाटरिंग ना हो।
फ्रेंड्स, इसको वैसे किसी भी तरीके की सॉइल में लगा सकते हैं। ये बहुत इजी ग्रोइंग प्लांट है, बहुत ही हार्डी प्लांट है, कुछ नहीं होता है। बस अगर आपके यहाँ की क्लेई सॉइल है, चिकनी मिट्टी है, तो इसमें आप पानी तभी डालना जब मिट्टी ऊपर से आपको सूखी दिखने लग जाए, अदरवाइज जल्दी मत डालना, क्योंकि इसको हल्का ही सा मॉइस्चर पसंद है। इसके बाद फ्रेंड्स, इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही ऐसे ही चलता रहता, चाहे आप डालो ना डालो ऐसे ही निकलता है, बिल्कुल जंगलियों की तरह। लेकिन हाँ, अगर आप नर्सरी से लेकर के आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि अभी या अभी आपके जो प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, आप चाहते भी हो, तो आप क्या करो, उसमें गोबर खाद ले लो आप, और गोबर खाद का केवल 10th पार्ट बोन मिल मिला दो। बोन मिल मिला करके इसमें डाल दीजिए, खूब अच्छी पत्तियाँ भी आएंगी, पत्तियाँ एनर्जी बनाएंगी, एनर्जी बल्ब को मिलेगी, और बल्ब जो है फिर फूल प्रोड्यूस करेगी, कलियाँ बनाएगी। तो आप जो है ये कर सकते हो, बोन मिल बहुत अच्छा होता है, तो इसमें आप बोन मिल डालिए। बोन मिल अगर यूज़ नहीं कर सकते हैं तो हमने जो है एक रॉक फॉस्फेट का वीडियो बनाया है, वो डाल सकते हैं, लेकिन रॉक फॉस्फेट थोड़ा स्लो वो करता है। बोन मिल जो है 15-20 दिन में डिकम्पोज होकर के प्लांट को एनर्जी दे देगा, तो आपका ये है कि इसमें कलियाँ आ जाएंगी। तो गोबर खाद और उसका 10th पार्ट आप इसमें डालो, अदरवाइज नहीं ज़रूरत है कुछ मत करो। अगर हरा भरा प्लांट है, ये चलता रहेगा, आपका फ्लावर निकल आएंगे। अभी जो है सितंबर तक फूल आते हैं, कीड़ा मकोड़ा कोई भी नहीं लगता है, कोई पेस्ट अटैक नहीं होता है। हाँ, एक वो लगता है, वो जो कैटरपिलर की तरह लंबा लंबा सा होता है कीड़ा, वो उसका नाम याद नहीं आ रहा है, उसका हमने वीडियो बनाया था। तो वो रेनी सीजन में ही लगता है, तो वो आपको एक भी दिखाई दे तो आप तुरंत नीम ऑयल से स्प्रे कर देना, नहीं तो ये सारी पत्तियाँ वो खा जाएगा आपकी, पत्तियों के साथ साथ बल्ब भी खा जाएगा आपका। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, उस पर हम वीडियो बना चुके हैं, नाम याद नहीं आ रहा, कैटरपिलर टाइप का है, लंबा लंबा सा ग्रीन और ब्लैक कलर का, बड़ा ख़तरनाक लगता है वो। तो उसका वीडियो का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। उस समय तो मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया था, तो मैंने अपनी गलती समझ ली थी, तो हम मेरी बल्ब खा गए थे, जो बल्ब बची थी, तो फिर मैंने उससे ही ये सब मल्टीप्लाई होकर के ढेर सारी हो गई हैं। तो आप अपना तुरंत ट्रीटमेंट कर देना। तो फ्रेंड्स, बस यही छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, आपका जो है अभी सितंबर तक चांसेस हैं पूरे फ्लावरिंग करने के, खूब अच्छे होंगे। मैंने टिप्स बता दी हैं, इसीलिए आप उसको फॉलो करना। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होंगी, पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।